प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। रोमियों के पत्र 16वें अध्याय उसका 23, गायुस जो मेरी और कलीसिया की पहनाई करने वाला है उसका तुम्हें नमस्कार। पौलुस एक व्यक्ति के बारे में कहते गायुस, और उसको उनके बारे में कहते मेरा और सारे कलीसिया की पहनाई करने वाला व्यक्ति है, सबका देखभाल करने वाला व्यक्ति है, सबके लिए हॉस्पिटैलिटी अकोमोडेशन ये सब कुछ करने वाला व्यक्ति है गायुस, कलीसिया के लिए, प्रभु के अभिषिक्तों के लिए। यूहन्ना जो यीशु मसीह का महान प्रेरित, तीसरा पत्र जब लिखा, एक ही अध्याय है लेकिन वो पत्र पूरा गायुस के नाम से लिखा है, गायुस के लिए लिखा है। गायुस के बारे में यूहन्ना वहां पर क्या कहते हैं, पहला आयत से लेकर, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम जिसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। यूहन्ना कहता है जिसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, गायुस के लिए पत्र में लिखता हूं जिसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और मेरे प्रार्थना है आपके लिए कि जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे आप हर एक बात में उन्नति करें और भले चंगे हो जाए। मैंने आपके बारे में गवाही सुना है कि आप सचमुच सच्चाई पर चल रहा है, और मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद की बात भी नहीं है कि जब मैं सुनता हूं कि मेरे बच्चे सच्चाई पर चल रहा है और आपके बारे में गवाही आते हैं, लोगों के द्वारा गवाही आते हैं कि वो सचमुच वास्तव में उस सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए यूहन्ना कहते मैं सच में आपसे प्रेम करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर बात में उन्नति करते जाए जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे। गायुस आत्मिक उन्नति करने वाला व्यक्ति, पौलुस को, यूहन्ना को, कलीसिया को, सबको पहनाई करने वाला व्यक्ति, यूहन्ना का आत्मिक संतान, सचमुच सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति, हर एक लोगों के द्वारा ये गवाही गायुस के बारे में मिल जाता है। वाह कितना अच्छा है, आप आत्मिक उन्नति करने वाला बने, लोगों के द्वारा आपको एक अच्छा गवाही मिलने पाए कि आप सच में सच्चाई पर चलते हैं, और आप प्रभु के अभिषिक्तों को, कलीसिया को सेवा करने वाला, सबके लिए एक आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। शालोम।